वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों, मैं भी एकदम मस्त। मैं पवन जोशी पिथौरागढ़ गंगोली हार से। तो दोस्तों आज मैं ब्लॉग की शुरुआत फिलहाल अभी सुबह के टाइम से कर रहा हूँ, और ब्लॉग की शुरुआत दोस्तों अभी मैं घर से ही कर रहा हूँ। तो आज का जो मेरा टूर है दोस्तों, आज का टूर है मेरा टुंटा गाँव में, देवी मंदिर में। आज से भागवत लगने वाला है दोस्तों, आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता ही रखा था। तो 10 दिन का वो भागवत है दोस्तों वहाँ। तो आज सबसे पहले होगी कलश यात्रा, उसके बाद शाम के टाइम पर भागवत वगैरह होगा। कलश यात्रा 9 बजे से होगी और फिर मंदिर में पहुंचेंगे। तो अब जो भी होगा आपको वहाँ वीडियो में दिखाया जाएगा। और ये जो पहाड़ों की रीति रिवाज पहाड़ों में अभी भी चलती आ रही है, और अब ये बहुत कम देखने को मिल रहा है बाहरों को, क्योंकि शहरों की तरफ तो ये बहुत कम हो गया है, और पहाड़ों में बराबर ये रीति रिवाज, पुरानी जो रीति रिवाज है वो अभी भी चलती आ रही है। तो अब सीधे मिलते हैं आपको देवी मंदिर में पहुंच के, तब तक वीडियो में बने रहिए। और प्लीज़ जो चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और जो हमारे कथा सुनाएंगे, भागवत की कथा सुनाएंगे आचार्य श्री नवीन चंद्र उपाध्याय जी, हैं बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। और उससे पहले मैंने इनकी कथा सुनी थी छुनौड़ा, जो गंगोली हार से खिरमांडे आने के बीच में हमारे एक गांव पड़ता है छुनौड़ा गांव, वहां भी इन्होंने कथा सुनाई थी। तो उस टाइम मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बनाता था, उस टाइम पे मैंने वो कथा सुनी थी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ले चलते सीधे आपको मंदिर में पहुँच के, तब तक भी Oh,
Thank you.
Thank you.